ILR और DF का रिपेयर और मेंटेनेंस कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कोल्ड चेन इक्विपमेंट के रिपेयर और मेंटेनेंस में ध्यान रखे जाने वाले डूज एंड डोंट्स। रेफ्रिजरेंट ट्यूब जॉइंट्स की ब्रेजिंग एक जरूरी प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है ये जॉइंट्स रेफ्रिजरेंट लीक न करें। ब्रेजिंग के लिए सही इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। टेक्नीशियन को फ्यूल टॉर्च और फ्लेम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके सही तापमान तक जाना चाहिए। केरोसीन ब्लो लैंप्स जरूरी ब्रेजिंग टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रिपेयर और सर्विस के बाद सिस्टम की सफाई और फ्लशिंग जरूरी होती है। ड्राई नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि ये एक निष्क्रिय गैस है और सिस्टम की नमी सोख लेती है। कंप्रेस्ड हवा अन्य गैसों ल्यूब्रिकेंट्स पेट्रोल आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सिस्टम को कंटैमिनेट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेंट को चार्ज करने से पहले सिस्टम को लीकेज के लिए चेक करना चाहिए जिससे चार्जिंग के बाद रेफ्रिजरेंट लीक ना हो। लीक टेस्ट करने के लिए सोप सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें, ये लीकेज चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है। लीक टेस्ट के लिए कंप्रेस्ड एयर या ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिस्टम का इवैक्यूएशन नमी को दूर करता है। ये सिस्टम को चार्ज करने से पहले एक जरूरी कदम है और सिस्टम को खराब होने से बचाता है। वेइंग स्केल का इस्तेमाल करके सही मात्रा में रेफ्रिजरेंट गैस चार्जिंग करनी चाहिए। जोखिम भरी परिस्थितियों में और खतरनाक इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हुए हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम खोल रहे हैं तो फिल्टर ड्रायर का बदला जाना अनिवार्य है। नया फिल्टर हमेशा पहले से लगे फिल्टर से बड़ा होना चाहिए। नए फिल्टर ड्रायर का एंगल कम से कम 15 डिग्री झुका हुआ होना चाहिए और इसमें कैपिलरी ट्यूब नीचे की तरफ से जुड़ी होनी चाहिए। नमी को रेफ्रिजरेंट सिस्टम में नहीं जाने देना चाहिए। जहां हवा में अधिक मात्रा में रेफ्रिजरेंट गैस हो वहां काम नहीं करना चाहिए। जहां हवा में रेफ्रिजरेंट गैस हो वहां धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जहां हवा में रेफ्रिजरेंट हो वहां ब्रेजिंग टॉर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिक्विड रेफ्रिजरेंट को त्वचा से दूर रखना चाहिए। अपनी सुरक्षा और इक्विपमेंट का सही कार्य करना सुनिश्चित करने के लिए रेकमेंडेड प्रोसीजर्स का पूरी तरह से पालन करना चाहिए।